फ्रेंड्स, क्लास 8 के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा फिफ्थ लेसन एक्सपांशन फॉर्मूली। लास्ट ईयर हमने एक्सपांशन के कुछ फॉर्मूली पढ़े थे, वो क्या क्या थे वो अभी पहले हम देखेंगे, उसके बाद इस साल का जो सिलेबस है वो शुरू करेंगे। तो फर्स्ट था हमारा, फर्स्ट एक्सपांशन था ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वेयर। तो अगर आपको दो नंबर्स दिए हैं और उनका स्क्वायर आपको करना है, उनके एडिशन का स्क्वायर आपको करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा। तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसका एक्सपांशन होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म और b का मतलब होता है सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर और बीच में आएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, बी का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे और बीच में क्या लिखेंगे, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। सो सेकेंड फार्मूला हमारा है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अगर दो नंबर्स या दो टर्म्स आपको दी है और उनके बीच में निगेटिव साइन है, माइनस का साइन है, और उसका आपको स्क्वायर करना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। तो ये रहेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर सिर्फ माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस आएगा, माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर आपको एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दिया है और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी दिया है, दो नंबर सेम है लेकिन एक ब्रैकेट में उनके बीच में माइनस का साइन है और दूसरे ब्रैकेट में उनके बीच में प्लस का साइन है, तो इसका एक्सपांशन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा है, ये जो तीन लास्ट ईयर आपने ये फॉर्मूले पढ़े थे, तो उसके ऊपर ही हम थोड़े से सम सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद इस साल का जो सिलेबस है वो शुरू करेंगे। तो पहले हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल सेक्शन में फर्स्ट सम जो आपको दिया है वो क्या है, x प्लस टू वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस डैश प्लस फोर वाई स्क्वायर। तो ये हम भूल जाएंगे, अभी हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या है, x प्लस टू वाई ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो यूज कर सकते हैं। वो क्या है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे और इस फॉर्मूले में फिर हमारी जो वैल्यूज है a और b की वो पुट करेंगे। तो a की जगह पर क्या है, x है, और b की जगह पर क्या है, 2y है। तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a मतलब x और b मतलब 2y प्लस b का स्क्वायर मतलब 2y का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 2y, तो 2 टू जा 4 आएगा और xy हो जाएगा। तो यहां पर आएगा 4xy प्लस 2y का स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और y का भी स्क्वायर होगा, दैट मींस 4y स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में क्या, ये बॉक्स में क्या आता है, 4xy। तो ये है हमारा आंसर। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमारा सेकेंड सम क्या है, 2x माइनस 5y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू डैश माइनस 20xy प्लस डैश। तो ये हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर क्या लिखेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे तो आप कोई भी सम आसानी से सॉल्व कर सकोगे। a की जगह पर क्या आएगा, 2x आएगा और b की जगह पर आएगा 5y। तो लिखेंगे a स्क्वायर मतलब क्या, 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब 2x और b मतलब 5y इंटू 5y प्लस b का स्क्वायर मतलब
5y का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या आएगा 2x का स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस 2 2 4 4 5 20 माइनस 20xy प्लस 5 5 25y स्क्वायर, तो यहाँ आएगा 25y स्क्वायर, राइट। तो ये बॉक्सेस में क्या लिखेंगे हम 4x स्क्वायर और यहाँ पर 25y स्क्वायर, तो ये इसका आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 का स्क्वायर। तो 101 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो आपको 100 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 100 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर दैट मींस 100 इज ए एंड 1 इज बी, तो यही फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पर 100 और बी की जगह पर 1 लिखेंगे। 100 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब 100 इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, राइट। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जहां पर ए है वहां पर फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं और जहां पर बी है वहां पर सेकेंड टर्म लिख रहे हैं। तो 100 का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा 10,000 प्लस 2 इंटू 100 इंटू 1 तो ये आएगा 200 प्लस 1 का स्क्वायर आता है 1, तो 10,201 तो आंसर आएगा 10,201, दिस इज आवर आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 का स्क्वायर। तो 98 मतलब होता है 100 माइनस 2, तो 100 माइनस 2 का स्क्वायर। तो इसके लिए हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ पर माइनस साइन है ना बीच में, तो इसलिए हम यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला लिखेंगे। तो वो आता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो a की जगह पर 100 और b की जगह पर 2 लिखेंगे, तो 100 माइनस 2 ब्रैकेट स्क्वायर, तो जहां पर a है वहां 100 और जहां b है वहां 2 लिखेंगे। यहां पर लिखेंगे 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर 100 इंटू बी की जगह पर 2 प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, राइट। तो ये 100 का स्क्वायर आता है 10,000 माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू 100 दैट मीन्स 400 प्लस 2 का स्क्वायर आता है 4, तो 1000 में से 400 अगर माइनस करेंगे तो आता है 9600, राइट। 9600 में प्लस 4 करेंगे तो आता है 9604, सो दिस इज आवर आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5m प्लस 3n एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 5m माइनस 3n इक्वल टू, इन्होंने सभी ब्रैकेट्स ही लिखे हैं, तो इसको हम ये जो लास्ट फॉर्मूला है उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए a माइनस बी और a प्लस बी, तो एक ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के बीच में माइनस है और एक ब्रैकेट में दोनों टर्म्स के बीच में प्लस है। इस ब्रैकेट में प्लस साइन बीच में है और इस ब्रैकेट में दोनों सेम टर्म्स है और माइनस साइन बीच में है, तो इसके लिए ये थर्ड वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर है तो इसका आंसर आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज डालेंगे, a की जगह पर 5m और b की जगह पर आएगा 3m और यहाँ पर 5m माइनस 3m, तो इसका आंसर आएगा ए स्क्वायर दैट मीन्स 5m का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3m का स्क्वायर। तो ये आता है 5m का स्क्वायर क्या आएगा 5 5 25 एंड m स्क्वायर, तो ये आएगा 25m स्क्वायर
माइनस 3 का स्क्वायर 9 और n स्क्वायर 9n स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप ये जो रिकॉल का सेक्शन है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम हमारे सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे एक्सपांशन ऑफ x प्लस ए एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस बी। तो ये क्या है, ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म्स होती है और दोनों ब्रैकेट्स में x कॉमन है। तो इस तरह की जो इक्वेशन होती है तो उसका हम एक्सपांशन कैसे करेंगे ये देखते हैं। हमको इस ब्रैकेट का इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से पूरा ब्रैकेट जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकेंड टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट को, तो क्या लिखेंगे, x प्लस बी। अब दूसरी टर्म क्या है यहाँ पर, प्लस a, तो ये टर्म हमने लिखी और फिर से ये दूसरा ब्रैकेट लिखा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले ब्रैकेट के दोनों टर्म्स से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x प्लस बी, राइट। तो अब देखिए इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन, x इंटू x किया तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू बी अगर किया तो क्या आएगा, बी एक्स प्लस, अब ये मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इधर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये a इंटू x किया तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस a इंटू बी किया तो क्या आएगा, ए बी, राइट। तो अब देखिए यहां पर दोनों में x कॉमन है, तो यहां लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन निकाल लेंगे और यहां पर लिखेंगे b प्लस a या a प्लस बी, सेम ही आता है, तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी। तो ये जो फॉर्मूला है, अब ये जो है ये क्या बना, हमारा एक फॉर्मूला बना। लास्ट में इसका लिखेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये जो बना है, ये फॉर्मूला बना है जो अब हमको आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है वहां पर यूज करना है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 5.1 वो सॉल्व करेंगे। तो यहां हम ऊपर फॉर्मूला लिख लेते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला अब हम अगली एक्सरसाइज में यूज करने वाले हैं। तो अब हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 5.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है a प्लस टू ए माइनस वन। तो अगर आपको ये, वैसे तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना ही पड़ेगा, लेकिन बाय चांस अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आता है तो किस मेथड से सॉल्व करना है वो भी मैं बताती हूँ। ये जो सम हमको दिया है तो वो दोनों मेथड से सॉल्व करना मैं आपको बता दूंगी। तो फर्स्ट मेथड जो है वो है जो हमने अभी फॉर्मूला बनाने के लिए यूज की थी, वही मेथड हम पहले यूज करेंगे। तो वो क्या है, a पहले लिखेंगे और दूसरा ब्रैकेट पूरा लिखेंगे, a माइनस वन प्लस टू लिखेंगे ये वाली टर्म और लिखेंगे a माइनस वन, राइट। तो दोनों टर्म से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a इंटू ए क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू वन क्या आएगा, a आएगा प्लस 2 इंटू ए तो 2a आएगा, 2 इंटू माइनस वन तो ये आएगा माइनस टू, राइट। 2 वन जा 2 और साइन आएगा माइनस का। तो यहां पर देखिए a प्लस 2a, ये माइनस a प्लस 2a, तो ये क्या आएगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा और प्लस मतलब बड़े नंबर का साइन आएगा, तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस a माइनस 2, तो ये हमारा आंसर। लेकिन अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आपको दिया है, आपको मैंने अभी सिखाया है, तो वो फॉर्मूला यूज करके आप सॉल्व करेंगे। अगर फॉर्मूला याद ना हो तो आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। अब फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह पर क्या है, ए है, और ए की जगह पर क्या है, टू है, राइट। एक्स स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, राइट। तो यहां पर ए का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, तो टू प्लस माइनस वन, टू प्लस माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए मतलब टू इंटू माइनस वन। तो ए का स्क्वायर, ये टू माइनस वन अगर किया तो वन आता है, तो वन एक्स मतलब, सॉरी यहां पर ए लिखना है आपको, वन ए दैट मीन्स ए, और टू इंटू माइनस वन अगर किया तो माइनस टू आता है, राइट। तो ये हमारा आंसर, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू, तो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू। तो दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही आने वाला है, लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये अगर आप यूज करोगे तो बहुत ही ईजी जाता है, तो आपको पूरी स्टेप्स करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम ये फॉर्मूला जो है उसी का यूज करेंगे और ये सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला लिखते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी, राइट। अब x की जगह पर है m माइनस फोर एम प्लस सिक्स इज इक्वल टू, यहां पर आएगा एम स्क्वायर प्लस माइनस फोर प्लस सिक्स, माइनस फोर प्लस सिक्स इंटू एम, राइट, प्लस माइनस फोर इंटू सिक्स। ए और बी की वैल्यूज हमने यहां पर, यहां इस फॉर्मूला में डाल दिए। एम का स्क्वायर क्या है, एम स्क्वायर, ये माइनस फोर प्लस सिक्स अगर है तो ये क्या हो जाएगा, अपोजिट साइन है इसलिए सब्ट्रैक्शन होगा, और बड़े नंबर का साइन यहाँ पर हम देंगे तो क्या आएगा, प्लस टू एम, और यहाँ पर फोर इंटू सिक्स ट्वेंटी फोर, लेकिन साइन आएगा माइनस, तो यहाँ पर आएगा माइनस ट्वेंटी फोर। तो ये है हमारा आंसर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है पी प्लस एट पी माइनस थ्री। ये फॉर्मूला मैं अब रब नहीं कर रही हूँ क्योंकि यही हमको बार बार लिखना है। तो ये फॉर्मूला जो है इसमें ये जो इक्वेशन दी है उसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। तो x की जगह पर आएगा p, a की जगह पर आएगा 8 और b की जगह पर आएगा माइनस थ्री, राइट। तो अब ये फॉर्मूला में हम वैल्यूज डालेंगे और सॉल्व करेंगे। x की जगह पर आएगा p प्लस एट पी माइनस थ्री इज इक्वल टू, अब यहां पर p का स्क्वायर प्लस एट माइनस थ्री। यहां माइनस थ्री मैंने इसलिए लिखा है कि प्लस माइनस थ्री है, तो प्लस माइनस थ्री तो माइनस थ्री हो जाएगा, इंटू पी प्लस एट इंटू माइनस थ्री। तो ये क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस एट माइनस थ्री क्या आएगा, फाइव पी, और एट थ्री जा माइनस ट्वेंटी फोर, राइट। तो ये है हमारा आंसर। हमारा फोर्थ सम है 13 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 13 माइनस एक्स। वैसे तो ये a प्लस बी ए माइनस बी ये जो फॉर्मूला है उससे एकदम इजीली सॉल्व हो जाता है, लेकिन अभी इस प्रैक्टिस सेट 5.1 में हमको ये जो फॉर्मूला है ऊपर जो लिखा हुआ है उसका यूज करना है, तो हम इसी का यूज करके ये सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला पहले लिखेंगे x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब यहां पर x की जगह 13 लिखेंगे और a की जगह x लिखेंगे, x की जगह 13 और b की जगह माइनस एक्स ये लिखेंगे। 13 प्लस एक्स इंटू 13 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी मतलब प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स मतलब क्या यहां पर 13 प्लस ए इंटू बी तो एक्स इंटू माइनस एक्स राइट। तो ये हमने इस फॉर्मूला में पूरी वैल्यूज पुट कर दी है। अब 13 का स्क्वायर क्या है 169 प्लस प्लस एक्स माइनस एक्स तो ये 0 इंटू 13 हो जाता है। तो 0 से किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया 0 इंटू 13 तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 0 आता है। तो यहां पर लिखेंगे 0 एक्स इंटू माइनस एक्स अगर किया तो माइनस एक्स स्क्वायर आता है राइट। तो इसका आंसर आएगा 169, ये 0 नहीं लिखेंगे हम, माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आता है। तो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सम है 3x प्लस 4y 3x माइनस 5y तो x की जगह पे आएगा 3x और a की जगह पे आएगा 4y b की जगह पे आएगा 5y। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं 3x प्लस 4y 3x प्लस 5y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b तो 4y प्लस 5y x की जगह पे आएगा 3x प्लस a इंटू बी मतलब 4y इंटू 5y। तो इसको सॉल्व करते हैं 3x का स्क्वायर दैट मीन्स 9x स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा 4y प्लस 5y ये आएगा 9y इंटू 3x प्लस 5 4 20 y स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 9 3 27 xy प्लस 20y स्क्वायर। सो दिस इज आवर आंसर। तो बढ़ते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट सम है 9x माइनस 5t 9x प्लस 3t ये जो दोनों ब्रैकेट्स हमको दिए हैं तो x की वैल्यू आएगी 9x और a की वैल्यू आएगी माइनस 5t b की वैल्यू आएगी प्लस 3t। सॉल्व करते हैं 9x माइनस 5t 9x प्लस 3t इज इक्वल टू x स्क्वायर दैट मीन्स 9x का स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस 5t प्लस 3t इंटू x की जगह क्या आएगा 9x प्लस a इंटू बी मतलब माइनस 5t इंटू 3t। सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है उसमें आप वैल्यूज पुट करो और उसके बाद सॉल्व करो। डायरेक्टली सॉल्व करने की कोशिश में कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। 9x का स्क्वायर 9 9 81 x स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस और प्लस है तो माइनस वाला जो नंबर है वो बड़ा है माइनस 5t प्लस 3t तो ये आएगा माइनस 2t इंटू 9x माइनस 2t इंटू 9x प्लस 5t इंटू 3t 5 3 15 टी स्क्वायर माइनस 15t स्क्वायर। ओके अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे 81x स्क्वायर अब 2 इंटू 9 क्या आएगा माइनस 18xt माइनस 15t स्क्वायर। तो ये है हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट सम है m प्लस 2 अपॉन 3 ये फर्स्ट ब्रैकेट में है और m माइनस 7 अपॉन 3 ये सेकेंड ब्रैकेट में है। तो फिर से फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे m प्लस 2 अपॉन 3 m माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर दैट मीन्स m का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3 इंटू m प्लस 2 अपॉन 3 इंटू माइनस 7 अपॉन 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे m स्क्वायर अब ये क्या आएगा
2 अपॉन 3 माइनस 7 अपॉन 3, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हम न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन करेंगे। 2 माइनस 7 अगर किया तो माइनस 5 आता है, माइनस 5 अपॉन 3 m, ये m उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इनका जो मल्टीप्लीकेशन आता है तो मल्टीप्लीकेशन का साइन माइनस रहेगा, 7 2 14 माइनस 14, 3 3 9, तो माइनस 14 अपॉन 9, तो m स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 m माइनस 14 अपॉन 9, दिस इज आवर आंसर। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है x प्लस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x, तो फिर से इस फॉर्मूला में उसके वैल्यूज पुट करेंगे। वैसे तो ये a प्लस b, a माइनस b इस फॉर्मूला से बहुत इजी जाएगा, लेकिन हमको इस फॉर्मूला का यूज करना है तो हम ये फॉर्मूला ही यूज करेंगे। x प्लस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू x स्क्वायर, दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x इंटू x, प्लस 1 अपॉन x इंटू माइनस 1 अपॉन x। तो इसका आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस ये x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x, ये जीरो आ जाता है, जीरो इंटू x, तो 0x मतलब जीरो ही रहेगा, और ये 1 अपॉन x इंटू माइनस 1 अपॉन x अगर करेंगे तो माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 होता है और x इंटू x x स्क्वायर होता है, और साइन यहाँ पर माइनस का आएगा, तो ये आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, राइट। तो दिस इज आवर आंसर। तो हमारा लास्ट सम है 1 अपॉन y प्लस 4, 1 अपॉन y माइनस 9, तो x की जगह पर आएगा 1 अपॉन y, a की जगह पर आएगा 4 और b की जगह पर आएगा माइनस 9। 1 अपॉन y प्लस 4, 1 अपॉन y माइनस 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर मतलब 1 अपॉन y का स्क्वायर, प्लस a प्लस b मतलब 4 माइनस 9, 4 माइनस 9 इंटू x मतलब 1 अपॉन y, प्लस a इंटू b मतलब 4 इंटू माइनस 9, 4 इंटू माइनस 9, तो ये आएगा 1 अपॉन y स्क्वायर 4 माइनस 9, तो ये आएगा माइनस 5 इंटू 1 अपॉन y, दैट मीन्स माइनस 5 अपॉन y, तो ये माइनस साइन यहां पर लिखेंगे, माइनस 5 अपॉन y माइनस ये 4 नाइन्स आर 36, माइनस 36, तो ये हमारा आंसर 1 अपॉन y स्क्वायर माइनस 5 अपॉन y माइनस 36, दिस इज आवर आंसर। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 5.1। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और हाँ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।